हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं एक छोटी सी समस्या का निदान करके दिखाने वाला हूँ। और समस्या क्या है, पहले मैं आपको समस्या दिखा देता हूँ, उसके बाद उसको कैसे हमें सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व भी करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि साइकिल की सीट में लगता है, और ऐसे प्रकार के स्प्रिंग कई अन्य जगहों पर भी लगते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस साइड का हमारा जो है कि हुक टूट चुका है, तो इस साइड जो है कि इसको लगाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बीच में भी बहुत घिस के यहाँ पतला हो चुका है और टूटने के ही कगार पे है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ज्यों ही हिलाया, ये देखिए यहाँ टूट गया और यह एकदम पतला हो चुका था यहाँ, और यहाँ कमज़ोर भी हो चुका था, इसी वजह से यहाँ से टूट गया है। तो इसको हम फिर से सही करने वाले हैं और इसी स्प्रिंग को हम फिर से दोबारा उपयोग में लाएंगे। और उपयोग में लाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी इस कटिंग प्लायर की। तो हम कटिंग प्लायर की सहायता से इसके जो है कि कुछ छूटे हुए भाग को एकदम समीप से जो है कि हम इसे काट देंगे। और मैं दिखाता हूँ यहाँ हमारा कटिंग प्लायर, अब जो है कि यहाँ जो है कि हमारा कटिंग प्लायर की सहायता से यह कट चुका है, और इस साइड का भी यह कुछ छूटा हुआ भाग, इसको भी हम काट देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कटिंग प्लायर की सहायता से दोनों साइड का जो है कि हमारा ये कट चुका है। और मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ यह भी कट चुका है, यह भी कट चुका है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे और फिर से इसका हुक कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लायर की ही सहायता से हमें एक दाना यहाँ से स्प्रिंग को दबाव डालना है। और आप देख सकते हैं कि यह जो है कि यहाँ हमारा स्प्रिंग का एक हुक बन चुका है और बिल्कुल गोल बना हुआ है, और इस साइड का भी हमें यहाँ से जो है कि बनाना है और एक दाना ही पकड़ना है। और मैं दिखा देता हूँ यहाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर भी एक दाना यहाँ जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ गोल बन चुका है और यहाँ भी गोल बन चुका है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये पुराना स्प्रिंग था इसमें हुक बन चुका है। अगर इसका इसको अगर ओपन यानी खुला हुआ रखना है, गोल नहीं रखना है, तो कुछ इस प्रकार से जो है कि इसको हमें यहाँ पकड़ के कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा देना है। और यह देखिए इसका ये आप देख सकते हैं यह खुला हुआ बन चुका है, इसको थोड़ा सा और हम घुमा देंगे तो थोड़ा और खुला हुआ हो जाएगा, ताकि इधर से कहीं से भी हमें फंसाने में डाल के दिक्कत ना हो। और यह भी बंद है तो इसको भी हम खोल के दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए जो है कि इसको हमें वापस की ओर घुमा देना है, और आप देख सकते हैं कि इसका भी यह मुंह खुला हुआ बन चुका है। तो यह स्प्रिंग फिर से तैयार है और इसको हम फिर से यूज में ला सकते हैं। तो कभी कभी दिक्कतें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ कोई भी स्प्रिंग लगा होता है तो वो स्प्रिंग खराब हो जाने की या हुक टूट जाने, कट के टूट जाने के पश्चात वह स्प्रिंग उस साइज का नहीं मिल पाता है। तो उसी स्प्रिंग को फिर से कैसे उपयोग में लाएं, तो कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस स्प्रिंग का दोनों हुक टूट चुका था, तो इसको हम जैसे फिर से इसको सही किए हैं और उपयोग में इसको हम ला सकते हैं, उस तरीके से आप किसी भी स्प्रिंग को हुक सही करके उपयोग में ला सकते हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।